करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है, ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल-ज़वेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। तो चाइना की गले की हड्डी है इंडिया, चाइना की आंख में कांटा है इंडिया, सांप के मुंह में छछुंदर है इंडिया। ये बेचारा करे तो करे क्या, हम उनके गले की फांस बन गए। ऑर्बिट्रॉस इन चाइनीज नेक इज इंडिया। इंडिया को, इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसको, जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, एमओडी कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। इनको पता नहीं हम चाणक्य के वंशज हैं, इनको पता नहीं हमें भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बताई थी, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। तुम हमारे साथ बात करो, गल्ला करो, बातें करो, बट वी आर कीपिंग अवर एम्यूनिशन ड्राई। आज हमारी जमीन सेफ है हमारी आर्मी के कारण, हमारे रफेल्स के कारण, हमारे S-400 के। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब अमेरिका ने ये जो रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आए, तो सिर्फ $1 लाख क्यों मदद की? जब मोदी जी लद्दाख जाते, जी जिनपिंग पिछले 2 साल से चाइना के बाहर नहीं निकला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही चाइना छोड़ के जाने की, पीछे कुर्सी न खींच ले कोई। हमने तो लद्दाख की सर जमीन पर खड़े होकर उनको चुनौती दी थी। एक दोस्त ने बताया कि जो कश्मीर का डेवलपमेंट का बजट था, जो कश्मीर का रीबिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बजट था, वो इस्लामाबाद में लगता रहा कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपया सिर्फ, इतनी हमें असिस्टेंस मिलेगी, इतना हमारा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें आते पड़ी हुई हैं पुराने अलल्ले तलल्ले कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत USA का नंबर 1 ड्रोन पेट्रियट ड्रोन लेने जा रहा है। और दोस्तों, इस ड्रोन के बारे में बात करें तो ये एक अटैक ड्रोन है और इस श्रेणी में ये दुनिया में नंबर 1 ड्रोन है। इससे अच्छा ड्रोन अब तक कोई भी दुनिया में नहीं बनाया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अमेरिका और इसराइल के बाद कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका ड्रोन बेहतरीन हो। और इस 5th जनरेशन के वॉरफेयर में ड्रोन का ही असली कमाल है। आपने रशिया यूक्रेन का वॉर को भी देखा होगा और साथ में अज़रबैजान और आर्मेनिया का वॉर में भी देखा होगा। जिसके पास सबसे अच्छे ड्रोन हैं वो इस वॉर में विजेता हो रहा है। इसी तरह से अब भारत भी चाहता है कि वह चाइना के अगेंस्ट इस ड्रोन वॉरफेयर में एक महारत हासिल करे ताकि चाइना को कड़ा से कड़ा जवाब दे सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आपके नज़र से गुजरी होगी और वो रिपोर्ट ये है कि भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स को पेंटागन में डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है। मतलब कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स कभी भी पेंटागन जा सकते हैं बिना व्हाइट हाउस के परमिशन के, और व्हाइट हाउस इसे मना भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये अमेरिका ने इसलिए किया है ताकि भारत और अमेरिका दोनों मिल करके वेपन्स को जॉइंटली डेवलप करें, और इसलिए ताकि भारत रशिया पे जो जितना निर्भरता था उसे कम कर सके और अमेरिका भारत को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे फ्लड्स आए हैं, जहां पाकिस्तान के 200 से 300 लोग से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए अब अमेरिका ने पाकिस्तान को $1 लाख का एड दिया है, जिसे लेकर के पाकिस्तान काफ़ी निराश है। पाकिस्तान के एनालिस्ट का सोचना है कि एक टाइम था जब अमेरिका लाखों बिलियन डॉलर्स देता था पाकिस्तान को एज अ एड, लेकिन अब वही अमेरिका पाकिस्तान का भूटी कौड़ी भी सोच समझ के दे रहा है और ना देने के बराबर दे रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तान काफी परेशान है और चिंतित है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना वादा क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, फिर बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछती रहूंगी। जी जी आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये आज खबर पब्लिक हुई है, जबकि इस खबर पे काफी दिनों काफी महीनों से बात चल रही थी। करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है, ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल-ज़वेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था।
इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इसमें एडवांस डिजिटल रडार्स दिए, एडवांस डिजिटल लेंसेज दिए हैं, और इसमें एक मैकेनिज्म दिया है जो बहुत क्लोज रेंज में भी मतलब कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन ऑन हायर लिए थे फॉर वन ईयर, जो जो नजर रखते हैं बेसिकली जो चाइना का जो जंगी बेड़ा है जो LCA में है या जो समंदर में चाइना की एक्टिविटी वगैरह पर नजर रखने के काम आते हैं। हमने पीछे कुछ आपको याद होगा टर्की से भी ड्रोन लिए थे, पर उनका और इनका मुकाबला नहीं है, दुनिया का नंबर वन ड्रोन है। हमने इसराइल से भी ड्रोन लिए, पर ये अगेन दिस इज रैंक नंबर वन इन द वर्ल्ड टुडे। ये एक जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है, US गवर्नमेंट की मोस्ट प्रॉब्ली और जहां तक मुझे पता है, और इसका CEO भी एक इंडियन ही अरविंद लाल है, डॉक्टर अरविंद लाल है जो उनके CEO है, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये कोई मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही, गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे दे के भी आरजू जी खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेचना ना चाहे, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। और अभी आपको मैं ध्यान दिलाऊं, अभी पहले सिर्फ हफ्ता भर या 4-6 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, एक हफ्ता करीब पहले, और जो सबके रडार से निकल गई या निकाली गई या उस पर बात की नहीं गई। ये भी देखिए कई सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स होती है जिन पर बात नहीं की जाती। इंडिया को, इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसको, जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, MOD कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, व्हाइट हाउस का हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था, अब ये चीज नहीं है। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया उसने ये भी बोला कि इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले, और इंडिया एक वाहिद कंट्री है। आपके लास्ट शो में हमने बात की थी कि इंडिया का शिप यहाँ, US का नेवल शिप यहाँ चेन्नई में डॉक हो गया, अब चाइना का शिप हमनटोटा में डॉक हो गया, पर वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल पे हम भी बैठे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला भाई अब हम जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट है इसमें, जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अब अलाइज में नॉर्थ कोरिया भी आता है, अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। अगर अब रशिया अपने वो वेपन सिस्टम दे रहा तो अमेरिका ने मतलब विद इन 48 आवर्स या 72 घंटे में बहुत बड़े 2-3 डिसीजन ले लिए। तो नेवर शिप वाला था और पेंटागन का दरवाजा खोल दिया इंडिया के लिए डायरेक्ट, विच इज एक्सेप्शन। अब क्या होगा अर्जुन जी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे हम आप ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया रशिया, और ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स काइंड। अभी ब्रह्मोस का कोई तोड़ है नहीं, श्रेणी में नंबर वन मिसाइल है। जब मोदी जी लद्दाख जाते, जी जिनपिंग पिछले 2 साल से चाइना के बाहर नहीं निकला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही चाइना छोड़ के जाने की, पीछे कुछ ना खींच ले कोई। हमने तो लद्दाख की सर जमीन पर खड़े होकर उनको चुनौती दी थी। चाइना का कोई लीडर दिखा उस साइड आते हुए LAC की, CCP के आसपास कोई आया CCP का लीडर? जी जिनपिंग की तो दूर की बात है। जब वो वुहान भी गया था, एक सेट बनाया गया था, जैसे पिक्चर में सेट बनता है ना, तो उसमें मास्क लगा के जी जिनपिंग विजिट्स वुहान, बाद में पता लगा तो पिक्चर का सेट था, ऐसे एक्टर है। तो अभी जो हम ये कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को डीलिंग कर रहे हैं। डीलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। उन्होंने कोविड के टाइम में हमें वैक्सीन नहीं दी, उन्हें हमें, आप एक और आपको बात बता दो, 1 लीटर ऑक्सीजन का उन्होंने हमें नहीं दिया, हमें पूरी दुनिया ने ऑक्सीजन दिया। जो बड़े सिलेंडर जो टैंक्स होते, क्रायोजेनिक टैंक्स जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता, चाइना बनाता, चाइना ने 1 टैंक शिप नहीं की। यहां मंगोलिया ने हमें 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के भेजे, मंगोलिया इतनी सी कंट्री है, 20 लाख की आबादी है टोटल, इन्होंने एक चीज नहीं भेजी। मैं देखिए, अगर आप मुझसे बुलवाएंगे तो मैं तो दिनों बोल सकता हूँ चाइना को लेकर, एक एक डाटा, एक एक फिगर, एक एक वो बता दूंगा। और रोहित भाई आप जानते हैं मैं परसेप्शन नहीं बोलता, मैं फैक्ट बोलता हूँ, ये इनकी हकीकत है। सो वी आर डिकपलिंग अवर इंडस्ट्री फ्रॉम देम। इनको लग रहा भारत से डर, अगर इनको डर नहीं लग रहा तो व्यंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के यहाँ क्यों आते? जयशंकर साहब नहीं गए ना वहां, व्यंगी आए ना यहाँ पे, क्यों आते? क्योंकि अभी जो हम उनको पैसा दे रहे हैं, इनका लाइफ ब्लड है, इनको इनको पता लग रहा दुनिया में हर जगह से टाइट हो रहे, 5G हम इनसे नहीं ले रहे, 6G नहीं ले रहे। इन्होंने हमें HCQ के टाइम में दवाइयां नहीं दी, हमने जर्मनी से सोर्स कर ली। हम अपनी अल्टरनेट सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बना रहे हैं। अभी हम इनको झटका देने वाले रोहित भाई, हम इनका ये जो स्मार्टफोन का बिजनेस है करीब $20 बिलियन का है, जिस दिन हमने ये बोल दिया कि 12,000 से नीचे का स्मार्टफोन यहाँ नहीं बिकेगा, इनको $20 बिलियन की सीधी सीधी चपत लगेगी, सीधी चपत।
मेटा डाटा और ऐप बैन से हमने इनकी ऑलरेडी इनको धो दिया। आज हमारे लद्दाख में S-400 लग रहा है, इनकी नींदें हराम हुई है। हमने रफेल डिप्लॉय किए, इनकी नींदें हराम हुई है। J-8 J-12 उड़ाते हैं इसलिए क्योंकि हम रफेल को उड़ाए, सुखोई MK-30I को उड़ाए, इन्हें पता लगे हमारे सुखोई की डिप्लॉयमेंट्स कहाँ, हमारे एयरफील्ड्स कहाँ है, हमने कुछ नहीं किया। बट इनका एक स्टेटमेंट जरूर आया कि इंडिया डिप्लॉयमेंट इज मच फास्टर। हम क्या उड़ा रहे हैं वापस में, हम उड़ा रहे जैगवार और मिराज 2000, क्योंकि इन्हें जैगवार और मिराज 2000 के बारे में सब पता है। इन्हें नहीं पता रफेल के बारे में, इन्हें नहीं पता है सुखोई MI-30 विद जिसमें ब्रह्मोस लगा, उसके बारे में ये नहीं पता। ये जो डिप्लॉय प्लेन्स उड़ाते हैं इसलिए उड़ाते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करें और इन्हें हमारी स्ट्रेटजी पता लगे, पर इन्हें लगा कि वी आर बॉर्न यस्टरडे, दे डोंट थिंक दैट। अब रोहित भाई विद नॉट सरकैज़म, बट एक बात बताइए, 4 फुट की 4 इंच का दिमाग और 4 फुट की हाइट, 4x4 की दुकान में कम सामान आता है, ये तो आपके मानेंगे ना, सामान लिमिटेड आता है। ये फिजिकल लिमिटेशन है, ये सुमित पीर की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये फिजिकल लिमिटेशन, ये इनकी औकात है। तो इन्हें बहुत अपने आप को बहुत ये लगता है कि भाई बहुत तेज है, बहुत चाणे हैं। इनको पता नहीं हम चाणक्य के वंश हैं, इनको पता नहीं हमें भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बताई थी, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। तुम हमारे साथ बात करो, गल्ला करो, बातें करो, बट वी आर कीपिंग अवर एम्यूशन ड्राई। आज हमारी जमीन सेफ है हमारी आर्मी के कारण, हमारे रफेल्स के कारण, हमारे S-400 के कारण, हमारे चुनूक के कारण, हमारे अपाचीज के कारण, हमारे हरक्यूलिस के कारण। और अभी रोहित भाई 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का भी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस 2 का भी टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब अमेरिका ने ये जो रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आए, तो सिर्फ $1,00,000 क्यों मदद की, यानी कि सिर्फ $1,00,000 की मदद क्यों की। ये US एड जिसने पाकिस्तान में जारी बात है अरबों डॉलर लगाए हैं, और आपको पता ही है एक अमेरिकी हुकूमत की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, अब पाकिस्तान ये कह रहा है जी ठीक है जी हमारे 500-600 लोग जो हैं उनकी वफ़ात हुई, कोई 900 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 50,000 के करीब लोग जो हैं वो होमलेस हुए, 1,00,000 के करीब पाकिस्तान में जो है वो लाइफ स्टॉक जो है वो मुतासर हुआ। तो अब बातें शुरू हो गई हैं जी कि सिर्फ $1,00,000, $1,00,000 कितना बनता होगा, 2-2.5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपया शायद उन्होंने दी है जो असिस्टेंस दी है। और मुझे क्योंकि अब ये भी एक चीज़ देखने की है कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपया सिर्फ, इतनी हमें असिस्टेंस मिलेगी, इतना हमारा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें आते पड़ी हुई हैं पुराने अलल्ले तलल्ले कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। अब वो दिन तो गए, ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो हैं वो दिए हैं, कभी कैरी लुगर बिल आ जाता था, कभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इतना पैसा आता था। ये हमें क्यों आदत पड़ गई है कि हम ये समझते हैं कि हमें बाहर के लोग ही पैसा दें तो हम तरक्की कर सकते हैं, बाहर के लोगों के पैसे से ही हम जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़े दुख वाली बात है कि पाकिस्तान में अलीट तो अलीट, अब आम आदमी भी ये समझता है देखो ये हमें दे क्या रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हम मांगते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है कि हमें हमारे अंदर ये बन क्यों गई है चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो अलीट है इसने पाकिस्तान को बोरोड ग्रोथ पे लगा दिया, बोरोड ग्रोथ कि सारा टाइम जो है वो तरक्की करनी है लेकिन किसी के पैसे से, ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन किसी के पैसे से, ज़िंदा रहना है किसी के पैसे से ज़िंदा रहना। तो ये वो बोरोड ग्रोथ है जिसके ऊपर हम चलते रहे हैं, ये हमारी हरकतें हैं जिसका नुकसान हमें जो है वो हो रहा है। आप